उनका ये मानना है कि इसको इस तनाजुर में भी देखा जाना चाहिए कि माजी में ऐसे वाकयात हुए हैं, अगरचे वो कुछ अलग तरह के वाकयात, लेकिन ऐसे हुए हैं, और बाद में उनका खुलासा भी या उनको एक्सपोज भी बहुत सारी किताबों में किया गया। जो यहाँ के ब्यूरोक्रेट हैं या फिर आर्मी के ऑफिसर हैं, उन्होंने अपनी किताबों में उसका तज़किरा किया कि हम क्या कर रहे थे। आप कहेंगे कि आर्टिकल 35A या फिर मेन नरेटिव का इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, बज़ाहिर नहीं है, लेकिन जब हम माजी की हिस्ट्री से सबक लेते हुए हम देख रहे हैं कि ये सारा जो मामला होता आया है, ये सिर्फ मेन नरेटिव का ध्यान जो है हटाने के लिए। देखिए, ब्रेड चॉपिंग खालिसतन हम समझते हैं कि ये हमारी औरतों पर, उनकी उनकी हुरमत पर हमला है, और इसको किसी तरह से भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। लेकिन इसकी तार कहाँ पे जुड़ी है, इसी के लिए तो ये आज की कॉन्फ्रेंस है।